इलाहाबाद के दारागंज व्यापार मंडल के व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने कुंभ मेला प्रशासन के साथ ही नगर निगम एडीए की कार्यवाही को लेकर के खास नाराज हैं। बता दें कि मेला प्रशासन एडीए नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इलाहाबाद में इस वक्त विकास कार्य को लेकर किए जा रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। घरों दुकानों को एडीए नगर निगम व मेला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के इलाहाबाद के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इलाहाबाद के दारागंज व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ लोगों ने प्रशासन नगर निगम के खिलाफ दारागंज में महाकवि निराला जी के प्रतिमा स्थल पर नारेबाजी करते हुए क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि कुंभ मेले के नाम पर गरीबों व्यापारियों के घरों आशियानों को अवैध तरीके से उजाड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर मेला प्रशासन एडीए नगर निगम अपनी संयुक्त कार्यवाही को नहीं रोकता है तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों की जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये मेला प्रशासन के द्वारा और जो कि राज्य की सरकार है उनके द्वारा जो आदेश हुआ है सड़क चौड़ीकरण और सौंदीकरण के अंतर्गत ये तोड़फोड़ की जा रही है। बिल्कुल अवैध रूप से की जा रही है। ना कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना कोई डिटेल दिया जा रहा है। हम इनसे लेआउट वगैरह भी मांग रहे हैं कि रोड आप कितने फीट तक ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं। और रजिस्ट्री वगैरह और जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है हमारे घर के उसको दिया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं और पुराना ले आइए और पुराना ले आइए। और इसी तरह मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे ये है कि जो ये तोड़फोड़ हो रहा है, अगर विकास हो रहा है, विकास के नाम पर आप तोड़ रहे हैं, तो हम इसके लिए आपका बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन किस हद तक? आप 3 मीटर मांग रहे थे रोड, आप 25 मीटर तक पहुंच गए हैं धीरे धीरे। तो ये एक तरह से पूरा पूरा घर जा रहा है लोगों का, उसके पीछे भी लोगों का घर जा रहा है। तो गरीब अभी तक पूरा दुकान तोड़ा गया, दुकान के साथ साथ मकान भी तोड़े गए। लेकिन आप अगर विकास कर रहे हैं तो किस नींव पर करना चाहते हैं? गरीब जनता की जो हाय है, जो बद्दुआएं हैं, उसकी नींव पर आप विकास करना चाहते हैं, तो सरकार ये सुन ले कि उनकी ऐसी कोई मंशा पूरी नहीं होगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन, हमारा ये जो अनशन है ये चलता रहेगा जब तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। मैं अपना निषाद दारागंज पार्षद अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट।